वेलकम गाइस, वीके मोबाइल वर्क में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आप देख सकते हैं आप सभी के सामने एक फ़ोन रखा हुआ है जो कि है आपका टेक्नो का। देखिए, मैं आपको दिखा दी, मैंने ओपन करा हुआ है। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या है, ये आया फोल्डर डला हुआ था इसके अंदर। और आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। पूरी देखेगा वीडियो तभी आपके समझ में आएगी। आप क्या होता है, जब आप न्यू फोल्डर डलवाते हो तो फ़ोन के अंदर दिक्कत आ जाती है आपकी। दिक्कत क्या आती है, मतलब कि टच आपने मान लीजिए ये फोल्डर नया डलवाया था। देखिए ये ऊपर रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तक ये चिपका नहीं है, मतलब चिपका हुआ था ये, लेकिन हमने ये हटा दिया था। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए मैं आराम से इसको आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए सारा देख लीजिए आप। तो ये आया था फ़ोन में फोल्डर डलने के लिए, फोल्डर वगैरह सब चीज़ डली हुई है, लेकिन इसके अंदर टच नहीं चल रही है इसकी। तो यहाँ पर अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखिए इसको कर लेते हैं हम ऑन। ये हमने ऑन कर लिया और ये हमारा ऑन हो चुका है मोबाइल। तो इसके अंदर दिक्कत क्या है, हमने फोल्डर वगैरह इसके अंदर डाला था, लेकिन दिक्कत क्या है देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने इसमें फोल्डर डाल दिया, सब कुछ ओके था, ये कस्टमर ने चलाया भी 4 से 5 दिन, चलाया अच्छे से, चलाया कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें अब थोड़े दिन बाद अब दिक्कत देखिए क्या है, इसकी टच चलनी ऑटोमेटिक बंद हो गई है। वो किस वजह से हुई थी मैं आपको बता देता हूँ। इसे मैंने एक काम और करा हुआ था, जो कि आप भी कर सकते हैं अगर आप न्यू फोल्डर डलवा रहे हो या डाल रहे हो। देखिए ये ऑन हो चुका है, देखिए टच बिल्कुल भी नहीं चल रही है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर नहीं दब रहा है, बटन वगैरह कुछ नहीं दब रहे हैं, सिर्फ पावर का ये काम कर रहे। देखिए ये देखिए सिर्फ ये काम कर रहे हैं, यानी कि अब मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत सीधा सा काम करना है आपको, बहुत छोटा सा काम है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मान लीजिए अगर आप नया फोल्डर डलवाते हो या आप डाल रहे हो, तो सबसे पहले आपको देखिए काम क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आप फोल्डर वगैरह डालते, देखिए ये टेक्नो का है तो इसमें चार्जिंग वगैरह का सब चीज़ का अलग अलग दिया हुआ है। इसमें एक पत्ते के अंदर इसमें मतलब कि दिया हुआ है सारी चीज़। तो ये थोड़ी काफ़ी टाइट चिपकी हुई है, तो गर्म होकर निकलेगी ये, वैसे तो ऊपर रखी हुई थी तो दबे होने की वजह से ये अंदर जा करके ज़्यादा चिपक गई है। तो देखिए आपको करना क्या, जब आप अपना कॉम्बो पूरा आप लगाते हो, फोल्डर पूरा आप लगाते हो, तो आपको करना क्या, देखिए मैं आपको दिखा दूँ मैंने क्या करा हुआ है इसके अंदर। ये मैं इसको एक बार और हटा लेता हूँ आराम से, देखिए ये मैंने हटा लिया इसको। अब देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, ये यहाँ पर टेप लगी हुई है। अब मैंने टेप किस लिए लगाई है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने टेप लगाई हुई है। ये टेप मैंने इसलिए लगाई है ताकि फोल्डर के अंदर, मान लीजिए मैं आपको देखिए फोल्डर दिखा दूँ, देखिए ये फोल्डर है, मान लीजिए न्यू फोल्डर है और आप इसको लगा रहे हैं, तो आपको देखिए टेप इस वजह से लगानी पड़ती है। ये जो यहाँ पर देखिए आप पत्ता देख रहे हैं ना, ये वाला फोल्डर के अंदर का, इसके आपको इस तरह से लगानी पड़ती है ताकि आप जो ग्लू लगाते हो, आपकी ग्लू जो होती है बहुत हार्ड होती है, उसके अंदर एसिड वगैरह काफ़ी हैवी होता है और बहुत सारी चीज़ उसके अंदर ऐसी होती है जो आपको ये गला देती है, काट देती है ऑटोमेटिकली कुछ दिन बाद। मतलब कि चलेगा तो आपका ठीक, लेकिन कुछ दिन बाद ही दिक्कत करने लग जाता है। तो जिस वजह से हम इसमें टेप लगा देंगे ताकि आगे चलकर कभी इसमें दिक्कत ना आए, फिर आप चाहे इसको जैसा चाहे ऐसा चिपका सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो इसमें आप देखिए टच इसमें मैंने मतलब कि सारी चीज़ कर दी, इसमें टेप वगैरह भी लगा दी, फिर भी नहीं चला ओके। ये पहली बार ऐसा केस आया है हमारे पास कि फोल्डर वगैरह बिल्कुल न्यू डाला लेकिन ऑटोमेटिक टच चलनी इसकी बंद हो गई। ऐसा इसलिए हुआ है, ये जो आपका फ़ोन था, ये देख सकते हैं आप, फ़ोन देख रहे, ये जो हमारा फ़ोन है इसका जो फ्रेम था, ये जो फ्रेम था ये बिल्कुल बैंड था, मतलब कि मुड़ा हुआ था। देखिए अब तो मैंने सीधा कर रखा है, यहाँ पर ये सीधा हो रहा है, बिल्कुल सीधा है, देखिए आप देख सकते हैं कहीं से नहीं मुड़ रहा। अब तो हमने सीधा कर दिया था, लेकिन उससे पहले हमने ज़्यादा इस पर मतलब कि गौर नहीं करा। तो कस्टमर इसको क्या करा, हमने लगा करके तो कस्टमर को दे दिया, उन्होंने क्या करा होगा, जैसे जेब वगैरह में रखा होगा, तो ये उसकी वजह से इसकी टच वगैरह चलनी बंद हो गई, क्योंकि बैंड हो रहा था। तो अंदर कभी भी आपने देखा होगा जब आप न्यू फोल्डर डलवा तो बीच में वाइट सा कोई वो आ जाता है निशान वगैरह, वो फोल्डर में भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो अगर आपके फ़ोन में बैंड वगैरह भी है तो भी उस वजह से वो दाग सा वाइट कलर का आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, जब आपके पूरा फ्रेम जो होता है वो टच नहीं होता, अंदर पूरा मदरबोर्ड में जो वगैरह होता है वो पूरा फ्रेम में फोल्डर टच नहीं होता, जिस वजह से वो ऐसा आ जाती है, उठा हुआ रहता है, तो इसलिए वो आ जाती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आपको टेप लगा देनी है और अच्छे से आपको जो इसके जो जिक वगैरह है जिसमें आप लगाते हैं मदरबोर्ड में, आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे आप ये वाली यहाँ पर ये जिक वगैरह होती है, देखिए ये वाली भी है, यहाँ पर जो ये चीज़ होती है ये
ये वाली चीज जो होती है, आप इसको अच्छे से यहाँ क्लीन करके तब इसको लगाए, कोई इसमें अंदर कुछ मतलब कि डस्ट वगैरह ना लगी हुई हो, भरी हुई ना हो, तो इसलिए पहले इसको साफ कर लेते तभी पूरा फुल पैक करें ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। तो ये वाला आप दे सकते हैं, यहाँ पर हमने ये हमने जो था यहाँ पर इसको अच्छे से टेप वगैरह लगा करके ये वाला हमने चला दिया था, लेकिन अभी इसमें दिक्कत आ गई टच की। तो आप क्या करेंगे टच चलाने के लिए, सबसे पहले आप अगर आपके पास दूसरा कोई फोल्डर है या फिर आप जहाँ से भी लाते हो वहाँ जा करके आप इसको चेक कर सकते हो उसका फोल्डर लेकर कि इसमें वही दिक्कत आ रही है या नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है अगर आप फोल्डर लेने जाते हो तो उसमें एक दिक्कत आ जाती है, कोई कोई फोल्डर सपोर्ट नहीं करता है लोकल, जो उसका ओरिजिनल फोल्डर होता है वही उस पर चलता है और लोकल वाला नहीं चलता, ओरिजिनली सपोर्ट करता है, तो इस वजह से भी दिक्कत आ जाती है। तो ध्यान रहे आपको पहले चालू करके मतलब चेक करके एक दो घंटे देख लेना है, उसके बाद ही आप उसको चिपकाएं ताकि आपको वापस भी हो सकता है वो। ध्यान है आपको तोड़े फोड़ है उधर से कोई सील वगैरह उसकी ना तोड़े, क्योंकि यहाँ पर स्टिकर वगैरह लगा हुआ होता है, तो आप उसको बिल्कुल भी ना हटाएं वहाँ से ताकि आपका फोल्डर वगैरह चेंज हो जाए। तो इसलिए अगर आपकी टच वगैरह नहीं चलती है तो सबसे पहले ये काम जरूर कर लें जो मैंने आपको बताया, वहाँ पर फोल्डर पे चिपकाने से पहले आपको टेप लगा देनी ताकि वो खराब ना हो। अगर आप कैसे चलते चलते टच बंद हो जाती है तो एक बार आपको फोल्डर लगा लेना है, दूसरा अगर फिर भी वही दिक्कत आती है तो आपके फ़ोन में दिक्कत है। उससे पहले आपको अगर फिर भी ऐसी नहीं है मतलब कि फोल्डर भी आपने लगा लिया है फिर चल गया है, तो आप क्या कर सकते हो उसके बाद टच की जो ओसी वगैरह करा करके, आप जैसे मान लीजिए ये वाला फोल्डर खराब हो चुका है, खराब तो नहीं मतलब ठीक है टच नहीं चल रही है इसकी, अगर आप एक काम और इसमें कर सकते हैं इसकी टच की ओसी वगैरह एक बार न्यू टच डलवा करके देख सकते हैं कि चल जाता है नहीं, अगर फिर भी नहीं चलता है तो उसमें शायद ये वाला फोल्डर जो है वो सपोर्ट नहीं होगा। तो ऐसे ही आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इस तरह से करके देख सकते हैं। वैसे काफ़ी ऐसी दिक्कतें आती है, रियलमी के फ़ोन होते हैं उनमें भी बहुत सारे आते हैं, C3 अलग अलग है, बहुत सारे मॉडल है, C35 वगैरह बहुत सारे हैं, तो उनमें भी ऐसी दिक्कत आ जाती है। तो आप भी सबसे पहले फोल्डर न्यू उसमें डाल करके देख लीजिए, न्यू फोल्डर डाल करके उसको चला करके देख लीजिए अगर आती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसे हम चलाते रहते हैं ज़्यादातर ये भी दिक्कत आ जाती है, जैसे मान लीजिए हम फ़ोन चला रहे हैं और ऑटोमेटिक डिस्प्ले मतलब कि कॉल वगैरह सब कुछ आ रही है ठीक है, वाइब्रेशन भी हो रही है ऑन ऑफ का भी है, लेकिन डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं कर रहा, ब्लैक हो चुकी है पूरी स्क्रीन। तो आप एक बार क्या करेंगे अपने मोबाइल को ओपन करके जो मैंने जिक वगैरह बताई ये साफ कर लीजिए और एक बार फोल्डर को खोल करके अच्छे से देख लीजिए कि मॉइस्चर वगैरह तो नहीं आ रहा अंदर कुछ लग तो नहीं, क्योंकि टच वाला देखिए यहाँ पर जो ये होता है, देखिए यहाँ पर ये टच का वो लगा हुआ होता है जॉइंट, यहाँ पर देखिए तीन तार गई उसको होता है टच के लिए, यहाँ पर कार्बन वगैरह लग रहा है जिस वजह से टच नहीं चलती। यहाँ से आप टेप हटा करके अच्छे से देखिए टेप हटा करके इसको आप यहाँ पर अच्छे से साफ कर लीजिए थिनर से, फिर वापस लगा दीजिए आप, फिर एक बार ट्राई करिएगा तो आपका बिल्कुल 100% हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है Realme 3 ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी वीडियो है, जाकर के लाइक करिएगा। तो ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दी छोटी सी, आप कैसी लगे आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना गाइस, बहुत ही अच्छी वीडियो है ये, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बताना कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी। किसी के मोबाइल में भी ऐसी सेम प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना मतलब कि आपने सिचुएशन में क्या करा था कि आपका मोबाइल ठीक हो गया या नहीं हुआ, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम।